नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो शुरू करें आज का कुछ आगे बढ़ते हैं प्रोग्रेस करते हैं अपनी स्टडी में इस संडे मैं क्लास रिकॉर्ड नहीं कर पाया अभी मेरा वो यूएस जाने की जो प्रोसेस है उसी में लगा हुआ हूँ संडे कोलकाता जाना हुआ मेरा उसमें पहला बायोमेट्रिक के लिए यूएस एम्बेसी में था जिसमें सभी फिंगरप्रिंट्स का बायोमेट्रिक लेते हैं फ़ोटो लेते हैं पासपोर्ट चेक करते हैं खैर मैं उस दिन संडे लौट आया कोलकाता से अब फाइनली रह गया इंटरव्यू देखते हैं फिर जाना होगा और इंटरव्यू क्लियर हुआ तो वीजा मिल जाएगा फिर दस साल के लिए टेंशन ख़त्म फिर यूएस जाते रहेंगे आप लोगों की बेस्ट विशेष काम आ रही है और मुझे लगता है आप लोगों की हेल्प हो पा रही है इन वीडियो से चलो जी कोई बात नहीं मैं अगर यूएस गया ना तो वहां से भी वीडियोज बनाया करूंगा आप लोगों के लिए आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो जाएगी इन वीडियोस से ना चलो जी आज शुरू करते हैं यूनिट नंबर फोर और और और, और एक सेकेंड जी नाम क्या है देखो चैप्टर का ई पेमेंट क्या हम ई पेमेंट कर रहे हैं या ई पेमेंट हम पहली बार सुन रहे हैं क्या नहीं सर ई पेमेंट तो हम डेली ये फोन पे यूज़ करते हैं या फिर पे यूज़ करते हैं इसके थ्रू किसी को पैसा दे देते हैं क्या वो ई पेमेंट का ही पार्ट है फिर उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग पे जाके लॉगिन करके किसी को फंड ट्रांसफ़र कर देते हैं ये भी तो ई पेमेंट ही है है ना आगे चलते हैं डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जो किसी बैंक का हम जनरली उसको डेबिट कार्ड को ए बोल देते हैं यार ए टी एम का है ए टी का है <laughs> वो डेबिट कार्ड ही है तो वो डेबिट कार्ड क्या है पेमेंट मेथड है क्रेडिट कार्ड की आपके पास पैसे नहीं है लेकिन फिर भी उस कार्ड में लिमिट दी होती है उस लिमिट पे खर्च कर सकते हो फिर उसकी उसका एक स्टेटमेंट जनरेट होता है उसमें एक ड्यू डेट होती है कि भैया इस दिन से पहले पहले दे देना एक स्मार्ट कार्ड है स्मार्ट कार्ड का नाम आपने सुना होगा मेट्रो का जब मेट्रो में आप जाते हो तो स्मार्ट कार्ड दिया जाता है मतलब आप उसमें पैसे रिचार्ज करते हो है ना फिर उसमें बैलेंस आ जाता है और आप

जब तक तो वो हमारे अकाउंट में जो डिजिट में दिख रहा होता वो है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी है ई वॉलेट पेटीएम ऑप्शन देता है कि भाई पेटीएम वॉलेट में पैसा रख लो फोन पे में पैसा रख लो आपको बैंक से पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं बस वॉलेट में रखा रहेगा उससे आप पैस पी किसी को पेमेंट कर देना तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है आपको तो ये जो भी मैंने अभी आपको समझाया है वो सब यहाँ पे ठीक है इन्होंने बस पेपॉल का यूज किया पेपाल क्या है एक ज्यादातर यूएस में यूज होता है कि कस्टमर पेपाल ही यूज़ करते हैं या फिर कंपनीज पेपाल पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं कस्टमर भी पेपाल पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं पेपैल से कंपनी के पेपाल में वो ट्रांसफ़र कर देते हैं लाइक पेटीएम यही सब कह सकते हैं इसको एक पेमेंट मेथड है ये ठीक है तो अब देख लेते हैं आगे ई पेमेंट सिस्टम पेमेंट मैथड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड ई मनी और ई डेबिट कार्ड मैंने अभी आपको समझाया लाइक like आपका अकाउंट है आपके अकाउंट बैंक वाले आपको एटीएम देते हैं एटीएम कार्ड वो एटीएम कार्ड ही क्या है डेबिट कार्ड है क्रेडिट कार्ड कि भाई आपके पास पैसा नहीं है लेकिन एक लिमिट दे, दे देंगे कि लो भी पचास हज़ार का खर्च कर सकते हो एक लाख का खर्च कर सकते हो फिर उसके बाद ये देखो बिल आएगा और कुछ दिनों में आपको पैसा देना होगा स्मार्ट कार्ड कि भाई इसमें आपको पैसा डालना पड़ेगा है ना पैसा डाल के एक सेकेंड यार एक ज़रूरी कॉल है हेलो मैं यार अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ कॉल बैक करू मैं yes, to... नहीं लैपटॉप में मैं लाइव <laughs> अभी मतलब रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्लास वो अपलोड होगी ठीक है करता हूँ मैं कॉल बैक ओके okay. सॉरी <laughs> यार मुझे ना इसमें बंद वीडियो को रोकने पे ना एक डर रहता है कि कहीं वो वीडियो रिकॉर्डिंग ना रुक जाए इस वजह से मैंने फ़ोन पिक कर लिया डिस्टर्ब हो गए होंगे आप लोग चलो दोबारा से आते हैं ध्यान लगा के मैं यार पंद्रह बीस मिनट ही तो पढ़ाता हूँ बस ध्यान दो तो उतनी देर में और चीज़ें समझ में आ जाएंगी और मैं जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो चाहे शॉर्ट आंसर आए लॉन्ग आंसर आए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है स्मार्ट कार्ड मैंने अभी बताया कि जैसे कि इसमें आप बैलेंस डाल दो फिर उसको यूज़ करते रहो मेट्रो स्मार्ट कार्ड का देखो एग्जाम्पल इन्होंने भी दिया मैंने भी आपको बताया था ना मेट्रो स्मार्ट कार्ड का ऐसे पतंजलि स्मार्ट कार्ड है मदर डेयरी पे स्मार्ट कार्ड यूज होते हैं तो ये ई e वॉलेट मैंने आपको बताया <coughs> पेटीएम का वॉलेट है यूपीआई है गूगल पे है जियो मनी जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और जिस जो मैंने एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जनरली वही सारी चीजें इसमें मेंशन होती है तो जो मैं समझाता हूँ उसको ध्यान से सुनो और एक बार बस प्लेन रीडिंग कर लो अब आगे बात करते हैं डिजिटल सिग्नेचर प्रोसीजर्स एंड पोजिशन एक बात बताओ जब इलेक्ट्रॉनिकली ही सब कुछ हो रहा है तो उसकी एक लीगल मतलब वो आ, अगर कल हो के कोई कोई फ्रॉड कर ले कोई गलत कर दे हमारे साथ या कोई ट्रांजेक्शन कर रहे उसमें कुछ फ्रॉड हो गया हमारे साथ तो हम कहीं तो इसके खिलाफ कंप्लेन लेके जाए हु? जैसे मान लो कि हमने किसी को फंड ट्रांसफर कर रहे या किसी ने हमसे गलत तरीके से पैसा ले लिया तो इस इलेक्ट्रॉनिकली जो फंड ट्रांसफर हो रहा है उसमें अगर किसी ने फ्रॉड कर दिया तो हम कहा जाए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे पुलिस का दरवाजा खटखटाएंगे तो पुलिस वालों को पता तो रहेगा कि यार किस किस एक्ट में इसके खिलाफ हम दर्ज करें हुँ? अब बताओ अगर कोई एक्ट ही नहीं होगा अब जैसे मान लेते कि चोरी करने की सजा ही नहीं होगी तो कोई भी बंदा चोरी करेगा पकड़ा भी जाएगा तो पुलिस वाले बोलेंगे यार इसकी तो सजा ही नहीं है और अगर पुलिस वाले ने बेचारे ने प्रेशर में अगर पकड़ भी लिया तो वो कोर्ट विद इन ट्वेंटी फोर आवर जो भी है मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना पड़ता है फिर मजिस्ट्रेट क्या बोलेगा वो तो किताब पलटेगा लॉ की किताब पलटेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये बैठे ही यही है कि भाई कानून को पढ़ के सजा या जो भी है डिसीजन देते हैं वो देखेंगे यार इसको लेकर तो कानून ही नहीं है तो वो बंदा छूट जाएगा ऐसे ही उन्होंने देखा यार अब तो इलेक्ट्रॉनिकली इतनी सारी चीजें हो रही हैं पेटीएम को किसने ऑथराइज किया तुम ये सब करो आओ कस्टमर से ये सब करो पेटीएम को किसने किया हम्म तो ऐसे बात नहीं बनेगी अब हम आगे बढ़ रहे हैं लग लूगी सारी चीजें होती जाएंगी कल हो कि अब मैं आपको इस किताब से पढ़ा रहा हूँ ये किताब सही है या नहीं है कैसे पता भाई इसको हमने डी की वेबसाइट से निकाला है डी की वेबसाइट को कैसे पता मतलब किसने ऑथराइज किया कि भाई तुम बुक्स वहां पे अपलोड कर दो क्या हम इस बुक्स में अगर कोई चीज़ गलत हुई अगर इस बुक में कोई कंटेंट गलत है क्या इसके लिए डी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समझ रहे हो आप किताब चाहे आप फिजिकल फॉर्म में पढ़ रहे हो या ये इस तरीके से पढ़ रहे हो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ रहे हो या फिर सॉफ्ट कॉपी आपके पास तो फिजिकल फॉर्म में अगर कोई किताब है या मतलब फिजिकल फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट है और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डॉक्यूमेंट है तो दोनों की बराबर तो होनी चाहिए जैसे कि कैश है आपके पास फिजिकल में कैश है पांच सौ हजार दो हजार जो भी ऐसे ही अगर अकाउंट में अकाउंट में अगर एक तरफ आपको दो हजार बैलेंस दिख रहा है और हाथ में दो हजार है तो आप बोलते हो ना दोनों बराबर है ये तो नहीं बोलते ना कि यार ये दो हजार जो अकाउंट पे पड़े वो पंद्रह सौ ये नहीं बोलते ना तो ये जो बराबरी वाली पे बात हो रही है कि ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो नॉर्मल हो या इलेक्ट्रॉनिक हो सब बराबर कैसे समझ रहे हो तो ये ही आया कि इसको ना ऑथराइज करना होगा यार लीगल तरीके से कानूनी तरीके से इसको ऑथेंटिकेट करना होगा जैसे ये ये डिजिटल मान लेते हैं कि ये पेपर है इस पे अगर साइन करना है किसी के प्रिंट नहीं निकाल लें प्रिंट निकाल के साइन अब कई तो ऐसे फॉर्म भरते हो आप एग्जाम फॉर्म भरते हो इवन आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर लो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो अब वहाँ पे क्या है सब ऑनलाइन ही साइन करने के लिए बात होती है तो डिजिटल सिग्नेचर वही से आया कि भाई आपने अगर डिजिटली साइन भी कर दिया तो अब वो वैलिड है लेकिन लिखा कैसे लॉ में लिख दिया कि भाई किसी पेपर को डिजिटल सिग्नेचर से अगर साइन कर दिया तो उस पेपर की मान्यता उतनी ही होगी जितनी की किसी हार्ड कॉपी पे किसी बंदे ने पेन से साइन किया है तो वो लीगल पोजीशन हो गया कानून में लिख दिया सब ये कानून कौन सा है हम अपने देश में जो भी चीजें कर रहे हैं देश की भलाई के लिए या देश में कुछ अगर गलत होगा तो हम किसे रेफर करेंगे संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत सारी चीजें लिखी गई अच्छा इनकम टैक्स रिलेटेड इनकम टैक्स एक्ट है अच्छा जीएसटी से जी एस टी एक्ट है ऐसे ही इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजों को इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को जितनी भी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है उसको कवर करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसकी जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि इस एक्ट में देखो एक्ट मतलब होता है कोई कानून आप कहीं भी देखना ना कोई एक्ट है तो मतलब वो लॉ है वो हमारे देश ने उसे लॉ बना दिया है अब कोई फ्रॉड करता है ना तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जाके देखेंगे कि अगर इस फ्रॉड की क्या सजा समझ रहे हो तो अगर इलेक्ट्रॉनिक के लिए नई नई ट्रांजेक्शन होंगी नई नई चीजें आएंगी उसके खिलाफ अगर कोई ल, उसके लिए अगर लॉ बनाना होगा उसको सिक्योर करने के लिए लॉ बनाना होगा तो वो इलेक्ट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में चीजें डाल देंगे तो वहां से कानून बन जाएगा आप क्या लोग पुलिस वाले क्या अदालत क्या सब के सब इसी एक्ट को रेफर करेंगे और सजा सुना देंगे अब देखो कि कैसे इस एक्ट ने बोला कि अलग अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है तो उसको ऑथेंटिकेट कैसे किया जाएगा मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हैं तो आप श्योर रहते हैं ना कि मैं जिसे मैसेज भेज रहा हूँ वो मैसेज उसी के पास पहुँच रहा है आप एक सेकेंड आप भी अपना ट्राई कर सकते हो आ, किसी को आप फर्स्ट टाइम करो मैसेज करो करो व्हाट्सएप पे ट्राई करो लाइक like, uh, कुछ भी ऐसा देखो जिसको आपने अभी तक मैसेज वैसेज नहीं किया है uh, तो आप देखोगे हाँ आप किसी भी ऐसे नाम को करना अपने व्हाट्सएप में सर्च करना और वहां लिखा है मैसेजेस एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नो वन आउटसाइड आउटसाइड ऑफ दिस चैट नॉट इवन व्हाट्सएप कोई दूसरा तो छोड़ो बाहर का इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम ना आपका व्हाट्सएप भी इसे पढ़ नहीं सकता है सुन नहीं सकता है तो ये कौन सी टेक्निक यूज की है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड अभी एंड टू एंड इनक्रिप्टेड टेक्निक लॉ में लिखा गया कि यार इस तरीके से अगर करोगे ना तो वैलिड चीज होगी इसीलिए व्हाट्सएप को आजकल बिजनेस में भी यूज किया जाता है व्हाट्सएप में आप किसी से चैट कर रहे हो ना अब ये प्रूफ माना जाएगा अगर आपने या किसी ने कोई फ्रॉड किया के थ्रू किया, तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक तो देखो यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना वैलिड मतलब करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर यूज कैसे होगा वो यूज होगा असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम से हैश फंक्शन से मतलब क्रिप्टो सिस्टम और हैश फंक्शन दो एक ऐसे मेथड है ये दोनों जिसके बेस पे डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाएगा और डिजिटल सिग्नेचर किसी पेपर में मतलब तो किसी फाइल में किसी डॉक्यूमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट में लगा दोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो जाएगा वैलिड ठीक है है कंपनीज में क्या होता नॉर्मल इनवॉयस बनाते हैं प्रिंट नहीं निकालते है, बनाते है, उस हैं उस इनवॉइस को डिजिटली साइन कर देते हैं भाई हो गया इनवॉइस वैलिड आई थिंक समझ में आ गया होगा अब ये जो दो चीजें हैं हैश फंक्शन हैश फंक्शन का क्या यूज होता है देखो कुछ नहीं है हैश फंक्शन एक है। एक इलेक्ट्रॉनिक है है मेथड जिसके बेस पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को ऑथेंटिकेट करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर बनाया जाता है बस अब आप इतना ही याद रखो और कुछ नहीं हाँ <coughs> जिसके पास भी डिजिटल सिग्नेचर होगा ना वो बंदा सब्सक्राइबर कहलाएगा मेरे अगर मेरे नाम से डिजिटल सिग्नेचर है तो मैं उसका सब्सक्राइबर कहलाऊंगा वो जो मेरा डिजिटल सिग्नेचर है वो प्राइवेट की होगी और जिसको डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ किसी अथॉरिटी को भेज रहा हूँ किसी इनकम टैक्स जीएसटी किसी लाइसेंस अथॉरिटी किसी को भी भेज रहा हूँ गवर्नमेंट अथॉरिटी को भेज रहा हूँ तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी उस मैसेज को देख सकती है उस इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को चेक कर सकती है तो उनके पास है पब्लिक की डॉक्यूमेंट बनाने वाले के पास प्राइवेट की है मैं अपने डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करूंगा इसका मतलब मैंने प्राइवेट की यूज कर लिया सामने वाला इसको रीचेक करेगा वेरीफाई करेगा कि ये सही तो डॉक्यूमेंट है तो वो पब्लिक की यूज कर लेगा ठीक है ये बात समझ में आ गई तो यही एंड टू एंड इंक्रिप्शन टेक्निक है वो यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी टेक्निक यूज किया क्रिप्टो सिस्टम जैसे मैंने अभी पढ़ाना व्हाट्सएप में लिखा है तो मतलब एंड टू एंड इंक्रिप्शन है तो यही एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम डॉक्यूमेंट में यूज होता है अगर आप मतलब ये कि व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो तो एक ऐसी टेक्निक यूज की है इस डाटा को वैलिड रखने के लिए वो टेक्निक का नाम है एंड टू एंड इंक्रिप्शन और यहाँ लिखा है एसमेट्रिक्रिप्टो सिस्टम बात एक ही है यहाँ लिखा है ना सेंडिंग द मैसेज किसी को आप मैसेज भेज रहे हो तो वो अच्छा, सही बंदे को ही पहुँचना चाहिए उसके बीच में कोई तो अब इसको एक पिक्चराइज किया हुआ देखो

वैलिड होगा बिना डिजिटल सिग्नेचर के अगर कोई डॉक्यूमेंट होगा ना तो वो वैलिड नहीं है और उसके बेस पे आप कुछ नहीं कर सकते ठीक है असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम ये एक टेक्निक है जिसके बेस पे डिजिटल सिग्नेचर तैयार होता है और टेक्निक क्या है कि भाई दो की है प्राइवेट की पब्लिक की, की मेरा प्राइवेट की होगा खुद का डिजिटल सिग्नेचर का और पब्लिक की जिस डिपार्टमेंट का हम डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो दोनों यूज़ कर लेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कोई भी इमेज फॉर्म में कोई डाटा है कोई पी फाइल है कोई एक्सेल फाइल है ठीक है ये सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कहलाता है जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है की 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 पेयर मैंने अभी बताया पब्लिक और प्राइवेट डॉक्यूमेंट बनाने वाला प्राइवेट की यूज करता है डिजिटल सिग्नेचर का और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने वाला पब्लिक की यूज करता है डिजिटल सिग्नेचर का चलो जी प्राइवेट की अभी मैंने बोला कि भाई डिजिटल सिग्नेचर को क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे प्राइवेट की और पब्लिक की क्या वेरीफाई करने के लिए आप बस एक बार प्लेन रीडिंग भी करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जितना मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो बहुत है सब्सक्राइबर जिसके पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है आपके पास अगर डिजिटल सिग्नेचर होगा एक पेन ड्राइव टाइप का ही होता है ठीक है तो वो आपका आप उसके सब्सक्राइबर हो वेरीफाई कौन करेगा डिजिटल सिग्नेचर को जिसको आप दे रहे हो भाई डॉक्यूमेंट जिसके पास पब्लिक की है ठीक है तो अब ये थोड़ा सा यार प्लीज़ एक बार बस प्लेन रीडिंग करोगे और मैं हंड्रेड परसेंट श्योर हूँ कि अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो सब समझ आ जाएगा अब बात आई सर बात चलो अब आगे बढ़िए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से बढ़ के बात आ गई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और हम तो पढ़ ही यहाँ पर रहे ई e कॉमर्स आई बात समझ में तो घुमा फिरा के सारी बात आ गई ना हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को हमने इतना डिस्कस किया कि हम तो समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है क्या अब ये सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है कुछ नहीं है ये ये सब अब से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है ये वाला ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बात बताओ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव हो ये कैसा सवाल है कोई भी कानून बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन पैनल कोड आईपीसी आपने देखा होगा मूवी में या सीरियल में लॉयर्स बात करते हैं कि भाई 302 का धारा लगा दिया 420 का धारा लगा दिया या फिर कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता तो सेक्शन 44 या 144 फोर्टी इम्पोज कर देते हैं मतलब लगा देते हैं ये सब क्या है वो जो धारा बोलते हैं या जो जो सेक्शन बोलते हैं इंडियन पेनल कोड अपने आप में कानून है उस कानून में बातें लिखी गई हैं कि ये ये अगर चीज़ें कोई गलत करेगा तो हम इस धारा लगा मतलब इस सेक्शन को इम्पोज करके उसको पकड़ लेंगे ऐसे ही उसका ऑब्जेक्टिव था क्राइम को रोकने का फिजिकल वर्ल्ड में जो होता है और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव आया क्राइम को भी रोकेंगे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई भी करेंगे वैलिड भी बनाएंगे ई e कॉमर्स को भी हम वैलिडेट करेंगे ई गवर्नेंस होगी आप किसी डिपार्टमेंट को कंप्लेन करना है तो आप यहाँ से उसकी साइट पे वेबसाइट पे जा सकते हैं मुझे याद है मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पे एक स्कूल है रियान रियान इंटरनेशनल स्कूल उसके सामने एक बस स्टैंड है और बस स्टैंड के साथ ही पब्लिक टॉयलेट तो मैं जब भी जाता था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू बहुत ही ज़्यादा स्मेल आती थी तो मैंने और ऑटो वाले वहीं बैठे रहते थे बस स्टैंड पे लोग भी खड़े हैं मैंने उनसे पूछा कि यार ये क्या है ये किस तरीके से कहता है ये तो देखो पब्लिक टॉयलेट बना दिए न सफाई होती है और ऐसा सब कुछ ख़राब हो चुका है तो मैं यहाँ के उस पर गया जो इनका एम की वेबसाइट है और उस पर ग्रीवेंस में जाके मैंने अपनी वो सारी बात लिख दी कि एक तरफ बच्चा स्कूल में पढ़ेगा फिर जब बाहर निकलेगा तो उसको बीमारी होगी लोग इतने खड़े रहते हैं आपको कोई चिंता नहीं है इस टाइप से तो भाई साहब अगले हफ्ते ही उस पर एक्शन लिया जा रहा है और सिर्फ वहां टॉयलेट था वहां पे लेडीज टॉयलेट भी बनाया उन्होंने तो देखो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का क्या मतलब कमाल है कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है वेबसाइट पे चले गए और ई e गवर्नेंस वही तो है, है? कि चीजों को रेगुलेट कर है अच्छे से कर है तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि भाई पेपर बेस्ड डॉक्यूमेंटेशन को एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में कन्वर्ट करना है ना डिजिटल सिग्नेचर वैलिडेट कर देना डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का के लिए सर्टिफाइंग अथॉरिटी को बना देना जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करेगी ऐसा तो नहीं ना कोई भी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर देगा इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज कैसे होगा वो सब कैसे उसको वैलिड करना लॉ में भाई किसी भी कानून को बनाने का पर्पस ही यही होता है कि कुछ अगर गलत हो रहा है तो कुछ सही करेंगे कुछ नई चीजें तैयार करेंगे है ना पेनल्टी और पनिशमेंट की अगर किसी ने ऑफेंस कर दिया गलत काम कर दिया तो उसको कैसे पकड़ेंगे है ना एज एडुकेशन ऑफिसर कौन होगा कौन से ऑफिसर को राइट होगा कि ये सब करने का कोई भी इंडियन पैनल कोड में मतलब जिसमें सजा लिखी होती है अलग अलग जुर्म की इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस एक्ट की एविडेंस मतलब प्रूफ है तो पहले तो ये था कि ये फिजिकल पेपर लेके आओ ये एविडेंस है जी अब तो व्हाट्सएप चैट दिखा दो किसी को ये एविडेंस है तो कैसे अमेंडमेंट हुई कैसे कैसे बदलाव होते गए कि हाँ हाँ अब ये भी वैलिड माना जाएगा पहले तो नहीं माना जाता था ई मेल्स पर किसी को लिख दिया तो भी वैलिड माना जाएगा तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर थी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताना और वही किसा पिटा डायलॉग एक से। मेरे ख्याल से अभी ये टॉपिक क्या हुआ ये क्वेश्चन खत्म नहीं 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 नहीं, नहीं। चैप्टर खत्म नहीं हुआ है चैप्टर तो यहाँ से भी और बचा हुआ है चलो वो डायलॉग फिर से मार देता हूँ कि वीडियो लाइक वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करें आगे पेमेंट गेटवे को भी पढ़ने या फिर इक्कीस मिनट हो गया क्या आप लोगों का स्टेमिना है इतना कि और पढ़ सकते हो चलो देख लेते हैं पढ़ लोगे आप लोग करते हैं थोड़ा और पेमेंट गेटवे क्या है जिसको यूज करके आप पेमेंट कर पा रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट आप किसी को कर पा रहे हो वही तो पेमेंट गेटवे है ये गेटवे क्या है मैं एक एग्जांपल देता हूँ गेटवे का आ, हाँ अब जैसे आप एयरटेल का सिम यूज करते हो ठीक है और आप कॉल कर रहे हो रिलायंस वाले को तो ऐसे कैसे आप जब एयरटेल का यूज करोगे तो एयरटेल तो के नेटवर्क पे जाएगा ना तो रिलायंस के कौ... उस पे नंबर पे कॉल कैसे चला जाएगा तो यहां पे एक गेटवे बनाया गया है जो इंटर रिलेटेड नेटवर्क को कनेक्ट कर देते हैं ठीक है ऐसे ही पेमेंट गेटवे की बात करता हूं आप किसी को पे हाँ आप किसी को फोन पे से पैसा भेजते हो फिर भी उसके अकाउंट में ही पैसा जा रहा है पेटीएम कर रहे हो फिर भी उसके अकाउंट में पैसा जा रहा है आप गूगल पे कर रहे हो फिर भी उसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है यूपीआई यूज करो तब भी उसी के अकाउंट में जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग करो तो भी तो ये बीच में जितने हैं ना एजेंट्स ये क्या कर रहे हैं गेट का काम कर रहे हैं आपके ट्रांजेक्शन को ये फाइनेंशियल नेटवर्क बना लिया इन लोगों ने इंटरमीडियरी मतलब बीच का एजेंट ये जो पेटीएम फोन पे, पे गूगल पे ये सब कौन है एजेंट है सारे ट्रांजेक्शन कराते हैं बस ठीक है <coughs> तो ई कॉमर्स में भी यही सारे तरीके हैं जैसे कि भाई कैसे कैसे करके पैसा आप ले सकते हो बिजनेस कर रहे हो ना पैसा चाहिए ना तो पैसा कैसे ले चाहिए भाई यूपीआई कर दे क्रेडिट कार्ड से कर दे डेबिट कार्ड से कर दे इंटरनेट बैंकिंग कर दे कैश ऑन डिलीवरी कर दे ये सब तरीके हैं पेमेंट गेट वे के तो ये पेमेंट गेट वे कैसे यूज करता है कैसे कैसे चलता है तो बस वही सारी चीजें इन्होंने बता दी है कि हाँ इसमें फ्रॉड ना हो इसलिए गेटवे का कस्टमर मर्चेंट देखना क्रेडिट कार्ड की कंपनीज है वो सब सिक्योर्ड रहे तब जाके हम <coughs> सॉरी हमें कितना भरोसा है पेटीएम पे, पे फोनपे पे लेकिन हम उसके पीछे की टेक्निक नहीं देखते वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो देखो पेमेंट गेटवे के बेनिफिट सिक्योरिटी कि भाई पेटीएम में जो मेरा डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डाटा है ना सिक्योर वो सिक्योर है इनक्रिप्शन टेक्निक ये डाटा किसी और को नहीं चला जाएगा बैकअप कोई डाटा अगर मुझे चाहिए होगा तो बैकअप रहेगा इमरजेंसी के टाइम पे और टेक्नोलॉजी को अपडेट करना ये तो पेमेंट गेट पे मतलब देख लो पेटीएम डेली अपने आप को अपडेट करता है फ़ोनपे डेली करता है गूगल पे अपने आप को डेली अपडेट कर, नहीं करेगा तो फिर चला जाएगा भारत पे है बहुत सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो नए नए आ जाएंगे मार्केट में ठीक है अब इश्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी अब ये इश्यूज क्या है क्या क्या प्रॉब्लम भाई हर चीज़ हर अच्छाई में कुछ ना कुछ तो बुराई होती है ना सिक्के के दो पहलू तो है हेड या टेल तो इसमें भी है जैसे टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है उसकी कुछ खामियां भी है उसमें कुछ प्रॉब्लम भी है मोबाइल बहुत अच्छी चीज़ है बहुत मोबाइल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं इवन मैं तो अपनी सारी क्लासेज ही मोबाइल से लेता हूँ है ना लेकिन इस मोबाइल से कुछ गलत भी तो हो सकता है क्या गलत होगा किसी और के साथ गलत नहीं होगा हम खुद ही अपने अपने साथ गलत करते हैं क्या गलत करते हैं टाइम वेस्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं यूट्यूब में शॉर्ट्स देखते हैं है ना तो हर चीज़ के हैं जैसे नए नए हथियार बनाए जा रहे हैं वो अगर अच्छा है किसी देश को स्ट्रांग बनाने के लिए लेकिन उसी हथियार से कुछ गलत काम भी हो जाते हैं चलो अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी में भी कुछ इश्यूज हैं वो देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग बेसिक इसमें सारे के सारे ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है ही यही द पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क यूज़ होगा हाउ पेमेंट प्रोसेसिंग और कैसे पेमेंट प्रोसेस होगा क्या हमें फ्रॉड के बारे में हाँ भाई यहाँ पे अलग अलग लेवल के फ्रॉड होते हैं कोई बोलता है जी तुम्हारे पास ओ आया है वो शेयर कर दो तुम्हारा ये लॉटरी निकला है वो बता दो ये बता दो ये सब क्या है फ्रॉड करने के तरीके बदल गए पहले तो ये था ना कि कोई बंदा कैश लेके जाएगा तो कोई छीन के भाग जाएगा लेकिन अब तो बंदा घर बैठे कहीं भी बैठे वो जो चोर है वो दूर बैठ के आपके अकाउंट को खाली कर सकता है अगर हम अपने आप को सेफ ना रखे तो या ना जाने इन सब चीजों के बारे में तो अभी बताओ ऑनलाइन फ्रॉड हर उस बंदे के साथ हो जाता है जो अवेयर नहीं है इन सब चीजों से अभी मैं देख रहा हूँ आज शाम से एक ना ओ बार बार आ रहा है पर लिखा रहा है कि जोमेटो रिक्वेस्ट कर रहा है परचेज के लिए तो ये ओ टी पी शेयर करो बताओ मैंने तो कोई ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना यार कि ये ओ टी पी वो टी पी किसी को शेयर मत करना अब एक नया फ्रॉड भी है कि भैया हम ना तुम्हारे यहाँ डिलीवरी लेके आए हैं ये तुमने सामान मंगवाया था हम फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं तुम्हारे पास ओ टी पी आया कन्फर्म करो हमें जाना है आप इतने बिजी रहते हैं हम कई बार किए ध्यान ही नहीं रहता ऐसा लगता है किसी ने मंगवाया होगा या किसी ने भेजा होगा पर ओ शेयर कर देते हैं तो, थोड़ा से। तो अच्छी चीज है ना कि भाई पेमेंट गेट वे यूज करते हैं ऑनलाइन स्टोर पे हम पेमेंट कर देते हैं बस इसमें प्रॉब्लम यही है कि हमें इन डेप्थ एक्सपीरियंस चाहिए ठीक है, है? द पेमेंट प्रोसेसिंग नेटवर्क में भी एक्वायरिंग हैंग किस को हम अपनी डिटेल्स दे रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग वर्ल्ड जो एक्वायर कर रहा है इंटरनेट के थ्रू कोई इन्फॉर्मेशन हमसे ले रहा है वो क्या सही बनता है ऑथोराइज कैसे करें उस ट्रांजेक्शन को अगर क्रेडिट कार्ड को वेरीफाई कैसे करें क्रेडिट कार्ड के एसोसिएशन आपने देखा हो क्रेडिट कार्ड पर वीजा कार्ड मास्टर कार्ड लिखा क्या वो सब जो इशू कर रहे हैं वो बैंक वाले ठीक हैं बंदे कस्टमर के लिए क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट करना उसको सीखना कस्टमर इशू बैंक को ऑन है मेरा बैंक कौन है जो पेमेंट करेगा इंटरनेट मर्चेंट अकाउंट कैसे हम अलग अलग अकाउंट क्रिएट कर लेंगी तो कंप्लीटली एक नया सेटअप क्रिएट हो गया ई कॉमर्स e में या ऑनलाइन मर्चेंट मतलब जो बिजनेस कर रहा है जो कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है क्या वो सही पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं प्रोसेसर कि कैसे क्रेडिट कार्ड के ट्रांजेक्शन्स प्रोसेस होकर उसके अकाउंट में फंड चला जाएगा सेटलमेंट कि हमने पेमेंट कर दिया वो सेटलमेंट कैसे होगा उस सब के पीछे की कहानी ठीक है अब देखते हैं वीजा एंड मास्टर कार्ड टेक डिफरेंट अप्रोचे टू ऑथेंटिक वीजा कार्ड और मास्टर कार्ड का अलग अलग अपना अप्रोच है किसी भी चीज को ऑथेंटिकेट करने का कि भाई वीजा कार्ड अलग है मास्टर कार्ड अलग है वीजा कार्ड आपने देखा होगा कि डेबिट कार्ड पर वीजा कार्ड लिखा होता है और मास्टर कार्ड इन सबके बस बैक एंड प्रोसेस में चीजें अलग है बट काम वही कर रहे हैं कोई कोई प्रोसेसिंग टाइम कम ले रहा है

लेकिन फिर भी हम अपने उसको जो ऑनलाइन मेथड पेमेंट मेथड यूज होता है उसके थ्रू में हम पेमेंट कर देते हैं जैसे पेमेंट प्रोसेसिंग ऑथोराइजेशन एंड सेटलमेंट हम किसी को पैसा ट्रांसफर करना है हम कर देते हैं ऑथोराइजेशन ऑनलाइन खुद ही ऑनलाइन ऑथोराइज कर लेते हैं ओ शेयर करके या ओ उसमें डाल के है ना ऑथोराइजेशन ब्रिक एंड मोटर ये ब्रिक एंड मोटर एक मोटर एक तरीका है जिसकी वजह से हम ऑथोराइज कर पा रहे हैं तो आप लोग इसमें सिर्फ मेन मेन पॉइंट रखो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है याद करने वाली चीज़ें हैं तो ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं बस थोड़ा सा माइंड में रखो और ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं लगता है कि इस पर कोई सवाल पूछा है ठीक है ना बस ये थोड़ा सा है कि वॉट यू शुड नो अबाउट फ्रॉड ये देखो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं तो हमें क्या फ्रॉड के बारे में पता होना चाहिए तो मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है ना कि, कि किसी को सी शेयर मत करना ओ शेयर मत करना है ना कि कोई फोन आए तो किसी को नहीं बताना क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं देनी है अपना अकाउंट डिटेल सही से सिक्योर रखना है ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है कि फ्रॉड होने से कैसे खुद को हम बचाएं ठीक है अब हम देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम में क्या कैसे सिक्योरिटी मतलब कैसे किसी ट्रांजेक्शन को सेफ रखे उसके लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत है ठीक है ना मैं कई बार सोचता हूँ कि यार चाहे दो बच्चे हो चार बच्चे हो मैं उनके साथ जूम क्लास रूम मैं उनको लिंक शेयर करूँ और मैं देखूँ भाई कौन कौन पढ़ रहा है इन वीडियोस से और फिर वो अपनी ऑनलाइन अपनी क्वेरी भी मतलब उस एक तरीके से लाइव सेशन ले लेंगे ऐसा कुछ सोच रहा हूँ बट मेरी वीडियोस कोई देखता ही नहीं है क्या करूँ मैं कोई बात नहीं अपना टाइम आएगा चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीजें सीखेंगे और देखते हैं वीजा के इंटरव्यू में ये जो अमेरिकन लोग हैं क्या क्या सवाल करते हैं और आई होप कि वो इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा ठीक है जी बाय बाय टेक केयर